अभी हमारे डीजी साहब के दिशा निर्देशानुसार और एसपी साहब के निर्देशन में ऑपरेशन खुशी थर्ड अभियान चल रहा है बाल श्रम के विरुद्ध। इसके तहत आज हमने लोंगिया मोहल्ले में 18 तारीख के एक कारखाने पर चेक किया, जहां पर 3 नाबालिग बच्चों से कार्य करवाया जा रहा था। उन तीनों बच्चों को हमने दस्तयाब किया है और वहां पर अश्तियार अली नाम से लोंगिया मोहल्ला ही निवासी है, उस व्यक्ति की फैक्ट्री है, उसको भी हमने रिकवर किया है, साथ लाए हैं। कितने बच्चे काम कर रहे थे? 3 बच्चे काम कर रहे थे। इन बच्चों से करीबन 14 से 15 घंटे काम करवाया जाता था और महज 2-3 हज़ार मजदूरी दी जाती थी और बच्चों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच में है और काफ़ी विषम परिस्थितियों में इनको रखा जाता था। बच्चे कहाँ से लाए गए थे? ये बच्चे पश्चिमी बंगाल से हैं और ये अश्तियार अली भी मूलतः कलकत्ता से है, लेकिन यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा है। क्या बोल के लाते हैं इन्हें वहाँ से? इन्हें कि हम आपको अच्छी मजदूरी देंगे, हम आपको अच्छे से रखेंगे, वो जो चीज़ें बताई जाती है वो यहाँ पर नहीं करके और विषम परिस्थितियों में 14 से 15 घंटे बाल श्रम करवाया जाता है और काफ़ी इनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। किस तरह काम करवाते हैं? आरातारी का काम है, जिसमें ये बच्चों को इसलिए प्रीफर करते हैं कि इनकी आंखें तेज़ होती है, जिसमें जरीकार काम आसानी से कर सकते हैं और कम मजदूरी में भी आसानी से इनको फ़ायदा होता है। सर, संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? संचालक के खिलाफ हम जेजे एक्ट और 374 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक और कितने यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ये आरातारी? इससे पूर्व भी हमने 2-3 जगह पर आरातारी के काम में रेस्क्यू किया था और FIR दर्ज करवाई थी और भी कर रहे हैं। हमारी टीम और चाइल्डलाइन लगी हुई है इसमें। अशोक बिश्नोई, मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी अजमेर।